नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरुणम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नवे इंटरपोल असेंबली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, नोएडा में 7 महीने के बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया है। हमले में 7 महीने के बच्चे की मौत हो गई है, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सेक्टर 100 के लोटस बुलवार्ड सोसाइटी की पूरी घटना है और जिस तरीके से ये मामला सामने आया, इलाज के दौरान बच्चों ने दम तोड़ दिया। तो नोएडा का ये पूरा मामला, 7 महीने के बच्चों पर कुत्तों ने हमला कर दिया जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। तो नोएडा के सेक्टर 39 का ये पूरा मामला है जहां पर सोसाइटी में ये पूरा मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में डॉग बाइट के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। सेक्टर 100 के लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी की पूरी घटना है। सात महीने के बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में डॉग बाइट के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं और ज्यादातर मामले हाईराइज सोसाइटियों से सामने आ रहे हैं और इसी क्रम में एक बार फिर से सेक्टर 39 के लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने मासूम को अपना शिकार बनाया है और कुत्तों ने बच्चे को इतनी बुरी तरीके से काटा कि उसकी मौत हो गई। इसी बीच रुक लेते बड़ी खबर का। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जालौर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जालौर से ये बड़ी खबर, कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। तो जालौर से ये खबर सामने आ रही है जहां पर हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। तो गुजरात के पालीतारणा से दर्शन कर वापस लौट रहे थे सभी। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी हुई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस वक्त ये बड़ी खबर जालौर से आ रही है, भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई है। आपको बता दें कि पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर सभी के शवों को कब्जे में ले चुकी है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। गुजरात के पालीतारणा से दर्शन कर वापस लौट रही थी अब ये बस और इसी दरमियान ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो जालौर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, तेज रफ्तार का कहर देखा गया जिसमें 5 की मौत हुई है। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। आपको बता दें कि हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। तो गुजरात के पालीतारणा से दर्शन कर वापस लौट रहे थे ये सभी और इसी दरमियान ये बड़ा हादसा। फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है। कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। जालौर का ये पूरा मामला, तेज रफ्तार का कहर देखा गया जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक और भयंकर। कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हुई है जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गुजरात के पालीतारणा से दर्शन करके परिवार वापस लौट रहा था और इसी दरमियान ये बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। शवों को कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो जालौर में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों ने दम तोड़ दिया।